हेलो भाई लोग, तो आज के वीडियो में हम लोग कोमोसो पीसी 210LC और टाटा हिटाची की एक्सेवेटर 210LC सुपर प्लस दोनों में बेस्ट कौन हो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं दोनों मशीनों का अलग अलग डिटेल्स बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं एक साइड में कोमोसो पीसी 210LC 10MO का ले लेता हूँ और दूसरे साइड में टाटा हिटाची एक्सेवेटर 210LC सुपर प्लस। सबसे पहले इंजन हॉर्स पावर की बात कर लेते हैं। तो कोमोसो पीसी 210 में जो इंजन लगा हुआ है वो कोमोसो कंपनी का ही लगा हुआ है, जिसका हॉर्स पावर 165 HP का 4 सिलेंडर 2000 RPM के साथ, जबकि टाटा हिटाची एक्सेवेटर 210LC सुपर प्लस में कमिंस का इंजन लगा हुआ है जिसका हॉर्स पावर 133 HP है 6 सिलेंडर 2000 RPM। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इंजन हॉर्स पावर कोमोसो 210 का ज़्यादा है, 165 HP, जो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों स्विंग स्पीड के बारे में। तो कोमोसो 210 का जो स्विंग स्पीड है वो 12.4 RPM है, जबकि टाटा हिटाची का 13.7 RPM है। दोस्तों मतलब एक मिनट में ये 13.5 बार लगभग टाटा हिटाची घूमेगी, जबकि कोमोसो का वो 12.5 बार। नेक्स्ट ट्रैवल स्पीड की बात करें तो कोमोसो 210 5.5 किलोमीटर पर आवर में तय करेगी, जबकि टाटा हिटाची दोस्तों 4.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कोमोसो का ज़्यादा है। नेक्स्ट ट्रैक प्लेट्स की बात करें दोस्तों, ट्रैक प्लेट की चौड़ाई की, तो दोनों मशीन में 600 mm का ही ट्रैक प्लेट की चौड़ाई है। नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रैक प्लेट्स की बात करें तो कोमोसो 210 में 49 प्लेट एक साइड में है, मतलब 49 एक साइड में, दूसरे साइड 49, जबकि टाटा हिटाची जो एक्सेवेटर 210 है उसमें 52 प्लेट इस साइड है दोस्तों, मतलब 52 करके दोनों साइड में। फ्यूल टैंक की बात करें दोस्तों तो कोमोसो 210 में 400 लीटर का टैंकी है टैंक कैपेसिटी, जबकि टाटा हिटाची में 310 लीटर का कैपेसिटी है दोस्तों। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग वेट की बात करें तो जो कोमोसो 210 की जो ऑपरेटिंग वेट है वो 22,000 kg है, जबकि टाटा हिटाची का 21,600 kg है। वजन में कोमोसो 210 ज़्यादा है। बकेट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो बकेट कैपेसिटी है 1.7 क्यूबिक मीटर है दोस्तों कोमोसो 210 का, जबकि टाटा हिटाची 210 का 1.5 क्यूबिक मीटर है, मतलब इसमें भी कोमोसो 210 का ज़्यादा है। और लास्ट में दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कोमोसो 210 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 440 mm है, जबकि टाटा हिटाची का ग्राउंड क्लियरेंस 457 mm है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें कोमोसो पीसी 210LC 10MO तथा टाटा हिटाची एक्सेवेटर 210LC सुपर प्लस के बारे में। तो मेरे अनुसार से दोस्तों दोनों मशीन बहुत ही बेहतरीन है। अब आपके काम के अनुसार से आप दोनों मशीन का चयन कर सकते हैं, कौन बेस्ट है कौन नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।